नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और टेक्निकल ज्ञान के एक और न्यू और एक्साइटेड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे किसी भी चीज़ को सर्च करके उसके बारे में बहुत ही आसानी से सब कुछ जान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप उसका फ़ोटो खींचते हैं और उसको वापस आप सर्च करते हैं एक एप्लीकेशन की मदद से, तो वो उसको अपने आप सर्च करेगा और आपको बता देगा कि वो क्या चीज़ है और उसके बारे में सारी डिटेल आपको दे देगा। तो चलिए बिना टाइम को वह शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है कैम फाइंडर। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं या तो दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर में जाके भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन अपने आप खुल जाता है। अब दोस्तों, जिस भी चीज़ को आपको यहाँ पे सर्च करना है वहाँ उस चीज़ को इसकी आपको फ़ोटो खींचना है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे वीआर बॉक्स की फ़ोटो खींचता हूँ। अब दोस्तों, ये वीआर बॉक्स जो है ये मैंने आपको गिव अवे करने के लिए मंगाया है। दोस्तों, इस वीआर बॉक्स की मैं यहाँ पे फोटो खींच लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो है इस सेंड हो रहा है इसका डेटा और उसके बाद यहाँ पे पूरा सब कुछ आपके सामने आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और दोस्तों, इसके अलावा भी आप कोई सी भी चीज़ को अगर फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पे आपका उसका रिजल्ट आपको सामने ही देखने को मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ये दोस्तों एप्लीकेशन जो है ये गूगल इमेज का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके कॉन्सेप्ट में वर्क करती है। और दोस्तों, इस एप्लीकेशन को यूज़ करते समय आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन होना चाहिए। और थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों इसको फाइंड करने में, और देखिए दोस्तों, ये फाइंड करने लगी है और सब कुछ आपके सामने ला के रख देगी इसका रिजल्ट। दोस्तों, ये जो वीआर बॉक्स है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसको मैंने गिव अवे करने के लिए मंगाया है और इसका वीडियो मैंने आपको बनाया था। 25 लाइक्स होने के बाद मैं उसको गिव अवे करूँगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, अभी 20 लाइक कंप्लीट हुए हैं सिर्फ। और दोस्तों, ये देखिए इसका जो रिजल्ट है यहाँ सामने आ चुका है और इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी आ गया है amazon.com से आप ले सकते हैं या तो यहाँ से भी ले सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी बॉक्स 3D। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को जिसका नाम आपको नहीं पता है या आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है उसकी सिर्फ फ़ोटो खींचिए और यहाँ पे अपलोड करके आप उसके बारे में बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से वेबसाइट में भी जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो वेबसाइट्स दी हुई हैं लिंक्स, वहाँ से आप उनकी वेबसाइट में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ इस एप्लीकेशन की सेटिंग्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन है। यहाँ पे दोस्तों आप फ्लैशलाइट को ऑन भी कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ में यहाँ पे आप सेटिंग में देखेंगे कई सारे मोड्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बार कोड को भी आप स्कैन करके इसको सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, आप बार कोड को भी स्कैन करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, आप अपने हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और ये एप्लीकेशन भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए आप टेक्निकल ज्ञान के साथ। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।